कुछ भूलने से क्या फायदा हो सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला, अगर मन को भूलोगे तो बुद्धिमान बनोगे। मन बहुत हिसाब करता है, पर बुद्धि सही परख और विचार करती है। दूसरा, आपको शांति का वरदान मिलेगा अगर दूसरों के अवगुण और भूलें देखना भूल जाओगे, क्योंकि दोष देखने से आपका मन बहुत खराब होता है। तीसरा, अगर बनी हुई चीज़ को भूलोगे तो बनाने वाले को देख पाओगे, क्योंकि बनावट से ज़्यादा बनाने वाले को जानना ज़रूरी है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पीड़ा, दर्द और तकलीफ भूलोगे तो उत्तम और बड़ा काम कर पाओगे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए थोड़ी बड़ी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, घड़ी और आराम भूलोगे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना पाओगे, क्योंकि नामुमकिन को पाने की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और आखिरी, अगर सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो कहना भूलना होगा पर करके दिखाना होगा। अगर आप मेरे वीडियो से सहमत करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मेरे दूसरे भी छोटे छोटे वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।